लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो जो वीडियो देख रहा हूँ वो है वायरल वड़ा पाव कल जो के स्टाल है उसका, उसके ऊपर सीधी पॉइंट में वीडियो बनाई है, तो वीडियो देख रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी, ओके, नौटंकी, जी टीवी वाला ड्रामा और सलमान लेवल एटीट्यूड के इन्फिनिटी स्टोन्स मुंबई से। ये तो सही उसने कहा सलमान। दिस इज वड़ा पाव। क्या है तो वड़ा पाव। अब दिल्ली में कौओं की गूस से ज्यादा वड़ा पाव के ठेले टपकने लगे, जिसके बाद हजारों दिल्ली के मोमोज ने अपनी जान दे दी। इन सब का एक मिशन, मकलोली करूं रात भर, वड़ा पाव बेचूं भर। वड़ा पाव रोजगार दिलाओ योजना से निकला वड़ा पाव मल्टीवर्स। दिल्ली वाले जो मुंबई के खाने को छी थू यू एह करते थे, आज वड़ा पाव के लिए गिरने को तक तैयार है। शर्म से मुंह ढक लो अपना और जाओ छोले भटूरे को माफी मांग कर आओ प्लीज। इतना कष्ट सिर्फ इनसे मिलने के लिए, इस मल्टीवर्स की थैनोस, जिनका नाम मैम हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। सबको पता है क्या नाम है मेरा? क्या प्रैंक हो गया? कटवाली ना। सबको पता है एक्सपेक्टेशन शाहरुख खान, मुझे नहीं पता। फरदीन खान वायरल वड़ा पाव ऑल्सो नोन एज, क्या नाम है मेरा? राखी सावंत की बड़ी बहन हो रही है। क्योंकि इनको आप वड़ा पाव का ऑर्डर तो दे दोगे पर मिलेगा आपको क्लेश मिलेगा। कहता अभी इतना भी क्या नहीं भूख लगी है? नहीं। ठीक है ठीक है, आप अपना बिग बॉस का ऑडिशन कंटिन्यू करो। ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स से तो सस्ता ही है बेसन। इतनी अमीर हो गई मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। राखी सावंत की बड़ी बहन हो रही है। और इतनी नौटंकी के बाद अगर बाई चांस आपका लकी डे है, किस्मत खुल गई और हाथ में वड़ा पाव मिल भी गया तो फाइनली मिलेगा। अच्छी एडिटिंग की। चलो भाई मेरे पीछे मत आ, क्यों ना। चलो अब शांति है, मैं खुद ही घर पे बना लूंगा। हाँ एक मैं आलू टिक्की ऑर्डर कर। गैस का खर्चा बचाओ, एक दो वड़े इनके टकले पे ही तल दो। दिल्ली के 50 डिग्री गर्मी में से 30 डिग्री तो यही पैदा कर रही है। मैंने बचपन से एटीट्यूड सीखा ही नहीं, ना तो मेरी आवाज निकलती है, मुझे शोर पसंद ही नहीं क्या? मजाक हो रहा है, मजाक ही हो रहा है। गांव में डाल के बेच दी क्या? ऐसे कल को रवि शास्त्री बोल दे मुझे दारू पीना पसंद ही नहीं है, बाबिल खान बोल दे मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है। आप कभी बोल ही नहीं सकते कि खाने में नमक कम है, इतने लीटर आंसू जो गिराए होते उस पे। खांसी और आंसू दोनों मिलेगा वड़ा पाव का, बंदा नहीं बोलता। नमक स्वाद अनुसार नहीं, चुप ही रहता है अनुसार। मोमेंट है, मोमेंट है, माइक ठीक कर ले। माइक ऑन। हाँ आप HD में कर हुए हुए हैं तो उसको रख क्या तू? अगर सच्ची तो रख क्या? मैंने बहुत ये बंदा 15 मिनट से वड़ा पाव मांगने की हिम्मत इकट्ठा कर रहा है, मुंह पे चटनी ना फेंक दे। ये मम्मी को कैसे समझाऊंगी कि एक वड़ा पाव लाने में 4 घंटे क्यों लग गए? ऐसे ही तो बढ़ती है सेल, आते जाते बंदे को खुद ही गिल्टी फील करा दे। नहीं मैम पेट भरा हुआ है मैम। यार मैं कितना वाहियात इंसान हूँ यार, एक रोती हुई महिला की मदद नहीं कर पा रहा, देखो कितना रो रही है वो। अच्छा ठीक है आप 6 वड़ा पाव पैक कर दो। 6 नहीं होंगे मैम, 4। मुझे एटीट्यूड, वो गरम तेल की कढ़ाई कहाँ होगी मैम? नहीं उसमें जरा कूदना था मुझे। क्या है मैम? 6 नहीं होंगे मैम, 4। बड़ा पाव बेच रहे हो कि फरारी जो इतनी लिमिटेड है? लूडो की गोटियां है क्या कि सिर्फ 4 ही मिलेंगी? एटीट्यूड ऐसा जैसे फ्री में खिला रही हो। पर बटर वड़ा पाव 50 रुपए है, चीज वड़ा पाव 60 रुपए है। 50 रुपए है भाई, 50 रुपए में मुंबई के ठेले वाले BMW में आएंगे घर तक पिकअप करने। ये बेसन है कि सोना? फ्रांस से आ रहा पाव। मुंबई में 10 से 15 रुपए का मिल जाता है, अब हम भी ये बोले 50 का वड़ा पाव लूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई हूँ मैं। शायद 10 रुपए का वड़ा पाव है और बचे 40 का लाइव WWE। हाँ
चौथा क्या है यार, जो जीता बेसन उसका। WWE करते रहे लैडर मैच, टेबल मैच, हमको तो देखना है चुन्नी मैच। चुन्नी मैच, वी वांट टग ऑफ चुन्नी गर्ल्स का। एक सीढ़ी लगा दो वहाँ पे, दोनों ऊपर चढ़ के वड़ा खींचेंगे। पचास पाकिस्तान में किसी भी लड़की की लड़ाई होती है ना, औरत मतलब लड़ने वाले, तो वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, पुलिस केस कर देते हैं। मैंने कई दफा देखा है टाके लगे हुए मुंह में, खड़ी मेरे मुंह में ना अपने भी ये खड़ी टाके लगे हुए हैं, दांत ना दांत सड़े हुए हैं, मेरी जीभ है ना उसपे छाले लगे हैं, छाले। मुझे है ना खुजली की भी समस्या है, फिर भी यहाँ खड़ी हूँ मैं। ये लो वड़ा खाओ, खाओ। अब नहीं आ रहे हाइजीन के रक्षक, यही चीज कोई ऐसे दिखने वाले अंकल कर देते तो चड्डी में वोल्केनो आ जाता है सबके। चड्डी का गेरा दीक्षित, हमें तो किसी ने बताया था माधुरी दीक्षित। नहीं देगी अंकल 6 वड़ा पाव, फिर भी नहीं देगी। मैम एज क्या होगी वैसे आपकी, कितने साल की लगती है? 25-24। भाई तू 17 एज बोल दे, फिर भी तुझे 50 पर वड़ा पाव देना ही पड़ेगा। कोई भी वड़ा पाव वाला इन्हें पसंद नहीं करता। भगवान जितनी तेजी से ऊपर पहुंचाता है ना, घमंड उतनी तेजी से जमीन पे भी लाता है। सब नकली वड़ा पाव मिल रहे हैं। तो वड़ा पाव का वी भी नहीं पता होगा। कस्टमर पसंद करते, लड़की नहीं पसंद, बेकार वड़ा पाव 50 रुपए के हिसाब से नहीं है। तो इतनी हाइप क्यों है, खुद पता करना पड़ेगा। चलो जाओ हम आगे दिल्ली के नए दुकान पे। और ट्रिपल एच रिंग में थी ही नहीं, दो वड़ा पाव के 100 दे के लुटने के बाद कुछ ज्यादा ही चटनी दे दिए। लाल मसाला नहीं है जो मुंबई वड़ा पाव में डालते हैं। अरे यार उसके बिना तो मजा ही नहीं आता। खट्टा क्यों है, इसकी इतनी हाइप है? नहीं नहीं ये रियल नहीं है भाई, मुझे चंद्रिका मैम के हाथ का खाना है। मुझे ऐसे छाला वाला छू के बनाती है ना, तब आता है रियल टेस्ट। स्पेशल अगले ट्राई करते हैं, करने लायक तो नहीं। वीडियो के एंड में पक्का मुंबई वड़ा पाव खाएंगे ये भुलाने के लिए। फाइनली आ गए मैडम, और सोचा ठेले पे वड़ा पाव लगेगा, पर एक सस्ते म्यूजिक वीडियो का पोस्टर लग गया। दुकान खाली पड़ी है भाई, दुकान पे कोई है ही नहीं, सब यहाँ है। वड़ा पाव का नाम तक नहीं ले रहा, चूल्हा जलाने की जगह इन्होंने पूरी दुकान ही जला दी। ये आंटी फाइनली गुस्से से फट गई शायद, चकलिया पर वड़ा पाव नहीं। मैंने पर्सनली ऑर्डर देने की कोशिश की पर ब्लॉगरों ने धकेल दिया, कोई पहचान नहीं रहा। से केक कट गया और मेरा भी। फिर मैंने सोचा कि भाई केक ही खा लेते, केक ही नहीं मिला। अच्छा उसने कैप पहन के ना कवर किया है, पता नहीं। फिर है हमारे अगले पाव एंजर, जिसको फूड ब्लॉगर्स ने फेमस कर दिया, क्योंकि ये ओ ये बच्चा और अपने खिलौने से खेलता रहता है। अरे खुजली असिस्टेंट रख ले भाई, पर अपने बड़े को छू कर पाव मत बनाया। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा 20 रुपए का वड़ा पाव। ये वाला तो फ्री में भी नहीं चाहिए भाई, पर ये एक चटनी मेरे तरफ से ले लो फ्री में। पेजेस फ्लिप करने की उम्र में मिर्ची फ्लिप यार। ये तो माइक का हार है, काम करता है। माइक देख बच्चे को कितने माइक्स पहना दिए भाई, मोदी जी के नहीं लगते इतने। दिमाग खराब मत करो, अभी साइड माइक उतार दूंगा भाई। मैं होती ना एक बेसन में डुबा के तल देती। माइक लगा जल्दी, अरे माइक लगा, माइक लगा पहले जल्दी। जगह कहाँ है दोस्त, माइक लगा दीजिए। ये फूड ब्लॉगर अपने बीवी को भी मंगलसूत्र छे माइक पहनो, माइक माइक दे रहे। विल यू माइक मी, वड़ा पाव खा लो गाइस। एक माइक और लगाया ना कढ़ाई में, मेरा मुंह डूब जाएगा। वैसे मैं भी लगा सकता, चार तो मेरे पास भी पांच। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। जब तक ये 6 का टेबल नहीं सुनाएगा मैं नहीं दे रहा पैसे इसको। बेटे को भी बचाओ और बेटे को भी पढ़ाओ प्लीज। और नेक्स्ट पावेंजर के पास आप जैसे ही जाते हो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। इनके पास एक ही कार्ड एक्सेप्ट होता है, विक्टिम का। लड़की तो रो के दिखा देंगे, हमारे मजबूरी है। लड़कियां रोते हैं, लड़का कभी देखे रोते हुए? जितने भी परेशानी होगा वो झेल लेगा। बिना रोए पहली बार कोई इतना रोया? लड़का कभी देखे रोते हुए? लगता है आपने कभी RCB को सपोर्ट नहीं किया। बचपन में इनकी मम्मी ने पूरा नो मोर टीयर्स शैम्पू पिला दिया होगा। सर लड़के भी मेहनत करते, ये नहीं बड़े मेहनत करते, लड़के भी हार्ड वर्क करते हैं। ये इंडियन आइडल में बोला होता ना तक विनर बना देती नेहा कक्कर। एक वड़ा पाव और 25 टिश्यू लगा देना भैया, इनका सीक्रेट मसाला है मनुष्यत। भैया को पेमेंट में पैसों से ज्यादा झप्पी की जरूरत है भैया, आ जाओ आ जाओ। वायरल वड़ा पाव वाली मैम के पास, और यहाँ पे देख सकते हो इनकी लाइन लगी पड़ी है कस्टमर की। यहाँ पे एक भैया है जिनके पास एक भी कस्टमर नहीं है। भैया वहाँ पे इतनी भीड़ है यार, आपके पास क्यों नहीं है? तू और जले पे नमक छिड़क दे भाई। भैया वहाँ पे इतनी भीड़ है यार, आपके पास क्यों नहीं है? ये फूड ब्लॉगर्स किसी अनाथ को जाके पूछ दे भाई, वहाँ सबके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके आपके पास क्यों नहीं है? अब ये फूड ब्लॉगर्स सबके पास जाते ही पहला सवाल, भैया आप भी रोते हैं क्या? मैं क्यों रोऊंगा।
नहीं रोते, आप भी रोते हैं तो बेसन में डूब के मर जा फिर, उसको देखा है वो प्यारी प्यारी दो अखी। ओए ये बड़ा मीम करते हैं, अभी बड़ा पाव परोसते हैं। ये लड़का छोटा सा रोता है जो 50 जब भी मैं सोचूं बड़ा पाव की लगा रही हो। इतने कमीने हैं भाई, कंटेंट उनसे लेते हो रिटर्न में बेचते। अगर 60 आते तो फिर पिज्जा लगता। जुटते मारते हैं। अगर 30% आए होते तो फूड ब्लॉगर बन जाती आपकी तरह। ये बड़ा पाव, ये देखो, ये स्टफिंग है, ये मेरी टिक्की और ये मेरी अच्छी मेरी तरह मतलब ये आपकी तरह ही हॉट है। बहुत मजा आती है। लास्ट टाइम खाया था लेकिन अच्छा लगता। वोल्ट 12 जी पे कोई नया वड़ा पाव शो है कि कैसी स्टोरी लाइन है? कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। जो हाय वेग जो ज्यादा तो था भी नहीं, फिर भी चार पैक करवाएगा। तो भैया आप कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे? मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे। डेली आते हो? मैं तो डेली आता हूँ, सुबह शाम दिन रात वर्क फ्रॉम होम भी यही करता हूँ, ठेले के सामने स्टूल लगा के। अच्छा मैडम, बड़ा पाव कितने के आपके? 60 और पैसा क्या है? अरे क्या बात है, मेरे प्यारे प्यारे कस्टमर हाथ से खिलाती। इसके लिए तो ये भूखे 660 भी दे दे। इतना बड़ा का स्टॉक नहीं होगा आपके पास जितना ये लौंडे अकेले खा जाएंगे मैडम। ये भाई अपनी बारी का वेट नहीं कर पा रहा। मेरी मम्मी की भी यही स्ट्रैटेजी थी, जब खाना अच्छा नहीं बनता था ना खुद खिलाती, अपने हाथों से मुंह में ठुसाती थी। और करोड़पति वड़ा पाव वाला, करोड़पति वड़ा पाव वाले भैया के आगे तो दीदी की कमाई कुछ भी नहीं है। तभी तो 50 लाख की गाड़ी में आते हैं वड़ा पाव बेचने के लिए। ये ब्रेजा 50 लाख की, मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी है। गाड़ी में आते हैं वड़ा पाव बेचने के लिए। 30 रुपीज का चीज वड़ा पाव मिलता है आपको यहाँ पे। 30 रुपए जीम जीम। सारे पैसे मेरे हिसाब से भाई स्टाइल के हैं। स्टाइल के उछाल के सीधा गया प्लेट के अंदर, मजेदार एकदम। तो हमने थोड़ी बोला कि स्टाइल मारो कर्तव्य करो। और ये देखो भैया का जो स्टाइल है ना, सारे पैसे मेरे हिसाब से भाई स्टाइल के हैं। ये उछाल के सीधा गया प्लेट के अंदर, मजेदार एकदम। एक समय पे सलमान शाहरुख एक साथ दिख जाए ना तो लोगों की लुंगियां फट जाती, और अब सबकी फट रही है वड़ा पाव की धनश्री और चाय के चहल के मिलने पर। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है। रोल मॉडल ये क्लैब हो गया ना, मॉडल निकल क्लैब हो गया, निकल तू निकल। ये इसको साथ चाय लगा दो। ये डॉली रोल मॉडल भाई से मोटिवेशन लेना, मतलब अगली लेवल पे फीलिंग आना। बस बस और मत सीखना इनसे, पता चला हरी चटनी अब से ऐसे सर्व हो रही है। जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं दौड़ी चली आई। यहाँ पे तो दौड़ी चली आई पर ठेले पे पुलिस से दौड़ना से दौड़ी चली आई। हाँ मुंबई वालों को इतना वड़ा पाव देख देख के भूखी लग गई यार। चल भैया एक देना, कितने का है? 15 रुपए का मैडम। 15 रुपए असल प्राइस 50 रुपए है। 15 या 50? 15 रुपए का। और आप रोगे भी नहीं, सिंपथी मांगो और फाइनल प्राइस बताओ। यहाँ भी 15 रुपए का है, सामने भी 15 रुपए का है, आगे जाएंगे आगे भी 15 रुपए का है। और आपका कार्ड? आधार कार्ड है ना? विक्टिम कार्ड नहीं है आपके पास? आधार कार्ड है ना, अगला कह रहा है। फ्रैंक है ना ये? मैडम यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसा। 6 पैक हो जाएंगे क्या? हाँ हो जाएंगे ना, 6 या 10 भी हो जाएंगे। सही फैक्ट्री है, गलत है। 50 रुपए का वड़ा पाव बेचेंगे, इससे अच्छा पब्लिक जाके होटल में खाए। 2 वड़ा पाव 100 रुपए का, 100 रुपए में आदमी दो प्लेट खाना खाए। नॉर्मल वड़ा पाव अभी में जाएंगे यही सिर्फ 50 रुपए का। ये तो सही कह रहा है। मैं वड़ा पाव, फेथ इन वड़ा पाव रिस्टोर। मैंने कभी खाया नहीं गाइस। नशा? ये आपकी चटनी में ड्रग्स है। सही कहती है, चटनी में ड्रग्स है भाई। ये आपकी चटनी में ड्रग्स है। सही लेते हैं कसम से, अच्छा रोस्ट करते हैं, है ना, डिफरेंट, ना कोई गाली ना कोई लाइक, अच्छा अच्छा सही किया रोस्ट बनता था। या मैं भी फेसबुक खोलता हूँ ऐसे ऊपर नीचे ये और इस तरह के लोग फूड व्लॉग्स वाले वो जो ड्रामे करते हैं ना, उससे लाइक सही कुकिंग दिखा दो, वो भी वायरल होना चाह रहे हैं। खैर वीडियो अच्छी थी, मिलते हैं फिर, बाय बाय।